हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग? थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग बताएंगे कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आज का क्लास बच्चों बहुत ही मोस्ट होने वाला है आप लोग के लिए। आज के क्लास में बच्चों हम सेकेंड बुक को कवर करेंगे इकोनॉमी की। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा क्लास आप लोग का लंबा हो जाएगा, तो कृपया आप सभी लोग, जितने भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, कृपया अंत तक बने रहेंगे ताकि बच्चों इस क्लास को अच्छी तरीके से कवर कर सकें और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न सेकेंड बुक के जितने भी हैं बच्चों, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं सही हूँ बेटा, सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जितने भी इस चैप्टर के हैं बच्चों, सारे के सारे प्रश्न हम कवर करेंगे। ओके, सारे के सारे प्रश्न हम कवर करेंगे, तो कृपया आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। संडे का दिन मैंने आज बच्चों आप लोग का मैराथन कर लिया, अर्थशास्त्र के मैराथन के लिए आज अर्थशास्त्र का कम्प्लीट कराऊँगा, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही बच्चों आप लोग का एक और कोई सब्जेक्ट में दोपहर में कवर कराऊंगा आप लोग का, ठीक है। 2-3 बजे के बाद से मैं एक सब्जेक्ट और कवर कराऊंगा बेटा, तो 2 सब्जेक्ट में आप लोग की कवर कराऊंगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर जी क्या कवर कराना है आप लोग को, दूसरी सब्जेक्ट आप लोग, क्योंकि संडे के दिन मैंने आप लोग के लिए निकाल के रखा है बच्चों, आप लोग के लिए निकाल के रखा है कवर कराने के लिए। तो कृपया सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि अगली सब्जेक्ट आप क्या चाहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे ताकि सभी आपके दोस्त आ सकें बच्चों। कोई बात में ये ना कहे कि सर मैं नहीं था, ठीक है, क्योंकि आज मैं सेकेंड बुक खंड ख जो आप लोग का है बच्चों स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र को स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और पूरा का पूरा ख़त्म करूँगा बच्चों एक ही क्लास में, एक ही क्लास में पूरा का पूरा कवर करूँगा। तो जितने भी बच्चे लाइव होंगे वो कृपया एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों, लाइक और शेयर कर देंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों पहला अध्याय जो परिचय है इसका बच्चों, परिचय में बहुविकल्पीय प्रश्नों को पहले कवर करते हैं। देखिए पहला है राष्ट्रीय आय का अध्ययन संबंधित है, जो राष्ट्रीय आय का अध्ययन है बच्चों संबंधित है किससे है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र से, क तथा ख दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। ओके, अगला प्रश्न है पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक हैं। चार ऑप्शन से बच्चों, मार्शल, किन्स, रगनार, रिकार्डो। तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? किन्स वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। ओके डियर, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? चार ऑप्शन है के आर हिक्स, ए एच हेंसन, जे एम किन्स और ए सी पिगो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? किन्स वाला आप लोग का ऑप्शन सही है, जे एम किन्स। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है आप लोग का, निम्नलिखित में से किसी एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, ठीक है बच्चों। कोई एक ऐसा है जो समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। पहला है रोजगार, दूसरा है विदेशी विनिमय, तीसरा है मांग का नियम और चौथा है राष्ट्रीय आय, ठीक है बच्चों। तो इसमें मांग का नियम बिल्कुल ही सही आप लोग का जवाब है। ओके, अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं हैं, अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं हैं बच्चों, ठीक है। देखेंगे क्या क्या है अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं, उत्पादन, उपभोग, निवेश, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में उपभोग, विनाश, विकास, तीसरे में निवेश, व्यय, बचत और चौथे में है बच्चा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। पुष्पेंद्र कह रहे हैं बच्चा कि एग्जाम कब से होगा सर, ठीक है बच्चा। हाँ तो बिल्कुल एग्जाम की कोई डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई बच्चा, अभी हम लोगों की जल्द ही उम्मीद है कि आ जाएगी, ठीक है, बहुत ही जल्दी उम्मीद है कि आ जाएगी एग्जाम डेट हम लोग की। तो हम लोग की जैसे एग्जाम डेट आएगी बच्चों, मुझे जब जैसे ही कन्फर्म होगा मैं आप सभी को सही न्यूज, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज बता दूंगा। ओके डियर, बिल्कुल जो भी सही न्यूज होगी बच्चा वो मैं आप लोग को बता दूंगा। ओके ठीक है, हेलो डियर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा? क वाला ऑप्शन सही है, उत्पादन, उपभोग तथा निवेश। ओके डियर, समझ गए। चलिए समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। चलो बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो जे एल्किंस द्वारा, पीगू द्वारा, वालरस द्वारा, परेटो द्वारा, ठीक है बच्चों। तो ये बिल्कुल किन्स द्वारा, ठीक है। ओके डियर, हाँ बिल्कुल 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 बैक हो गए बेटा, बिल्कुल बैक हो गए। और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करके अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बुला लीजिए, सभी सभी दोस्तों को बुला लीजिए ताकि बच्चों सभी बच्चे आ सकें, क्योंकि आज का मैराथन जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपकी एग्जाम में बच्चों 50% के प्रश्न यहीं से बनेंगे सेकेंड बुक से, और 50% का प्रश्न के लिए मैंने फर्स्ट बुक एक दिन के मैराथन में पढ़ा दिया बच्चों,
ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा लंबी वीडियो भले हो जाएगी लेकिन पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा बच्चा, ठीक है, पूरा का पूरा देखिएगा बच्चों। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों अगला क्या है। अगला प्रश्न यह है बच्चा कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। चार ऑप्शन से 1929, ठीक है बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा हम लोग। चार ऑप्शन से आप लोग का क्या 1929, 1930, 1931 और 1932। तो बच्चों 1929 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। चार ऑप्शन से यहाँ पे भी है, मांग का नियम, राष्ट्रीय आय, प्रतिफल के नियम और लगान सिद्धांत। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय होता है बच्चा, ठीक है, हो गया डियर, अगला हो गया। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, आगे आगे क्या अति लघुतरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। जो आधुनिक अर्थशास्त्र थे बच्चों, ठीक है, उनके जनक किसे माना जाता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी थे और ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉलेज, ठीक है बच्चों, बेटा एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम की जो डेट है अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है, ठीक है, जैसे ही कंफर्म डेट आती है मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। क्लियरली मैंने क्लास के शुरुआत में ही बता दिया था कि एग्ज़ाम की डेट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है, जैसे ही कन्फर्म हो रही है बेटा मैं तुरंत आप लोग को बताता हूँ, जल्द ही कन्फर्म हो जाएगी, उम्मीद है ये, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, वेल्स ऑफ नेशंस 1776 को विषय की मुख्य व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। ओके, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समझिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं, क्रेता या विक्रेता कंपनियां भी, जो अपने लाभों को, ठीक है, लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं और उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण स्तर पर। बड़ी कंपनी भी इस अर्थ में व्यष्टि ही है, उसने अपने शेयर धारकों के हितों में कार्य करना पड़ता है, जो कि संपूर्ण देश के हित के लिए नहीं होता है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र अधिकतर व्यक्तिगत स्तर के आर्थिक मुद्दों का विवेचन करता है, जैसे कि एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग अथवा एक बाजार। उदाहरण के लिए, एक फर्म द्वारा उत्पादन की तकनीक के चयन की समस्या। ओके डियर, ठीक है, चलिए आगे कह रहा है बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन के दो उदाहरण दीजिए। तो समष्टि आर्थिक अध्ययन के दो उदाहरण इस प्रकार हैं, पहला है बच्चों भारत में बेरोजगारी का अध्ययन और दूसरा भारत में कीमत व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न आप लोग का कह रहा है बच्चा, भारत में बेरोजगारी की समस्या को समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन में क्यों शामिल किया जाता है। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या को समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन में इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि यहाँ बेरोजगारी की समस्या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए एक आर्थिक मुद्दा है। बिल्कुल सही बात है बच्चा, ये बिल्कुल सही बात है। ओके, अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र के दो घटक बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र के दो घटक निम्नवत हैं, उत्पादन और रोजगार के संतुलन से संबंधित सिद्धांत और दूसरा अर्थव्यवस्था में कीमत व्यवहार से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, बेरोजगारी की दर की परिभाषा दीजिए। बेरोजगारी की दर की परिभाषा निम्नवत है, लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते हैं, में लोगों की कुल संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं और काम करते हैं, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह बेरोजगारी दर कहलाता है। ठीक है, भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा बेटा वही आप लोग का बेरोजगारी दर होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र इस प्रकार हैं, पहला है बच्चों राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, दूसरा है रोजगार का सिद्धांत, तीसरा है मुद्रा का सिद्धांत, चौथा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, पांचवा आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत और छठवां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। ओके डियर, चलिए आगे देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य मुद्दे समस्याएं क्या हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य मुद्दे समस्याएं इस प्रकार है, पहला समृद्धि तथा विकास, रोजगार है, दूसरा तीसरा है व्यावसायिक चक्र, चौथा है मुद्रास्फीति और पांचवा है बजट संबंधी घाटा तथा राजकोषीय नीति और छठवां है ब्याज दरें तथा मौद्रिक नीति। ठीक है बच्चों, ब्याज की दरें और मौद्रिक नीति। समृद्धि तथा विकास, रोजगार तथा व्यावसायिक चक्रों के मुद्दों के को समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य माना जाता है। मौद्रिक तथा राजकीय नीतियों के मुद्दों को समष्टि अर्थशास्त्र की नीतियां अथवा उपकरण माना जाता
है। ओके चलिए, समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। तो ठीक है बच्चों, इनकी सीमाएं देखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्नलिखित हैं। जैसे बच्चों देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अनेक निष्कर्ष सरल रूप से व्यक्तिगत इकाइयों की तदर्थ सरल संरचना पर आधारित है। दूसरा है विजातीय इकाइयों का समुच्चय। जो विजातीय इकाइयां होती हैं उनका समुच्चय का ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रायः इसकी अवहेलना करता है। चौथा है बच्चों, आप लोग का जनसंख्या के भिन्न भिन्न वर्गों पर समुच्चयों के विभिन्न प्रभावों को प्रायः कोई महत्व नहीं दिया जाता है। ओके क्लियर। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 6 जो आप लोग का है, मतलब 6 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है, इसमें है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, में अंतर पूछ रहा है। पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र देखेंगे बच्चों। इसमें पहला पॉइंट बता रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में देखेंगे बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। और यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र में सेकेंड पॉइंट देखें बच्चों, तो इसमें बताया जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत अथवा उद्योग में उत्पन्न तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है। और इधर देख ले बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत के स्तर से है। और यहाँ पे देखें व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है। और इसमें देख ले बच्चों, इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग और पूर्ति है। ओके चलिए आगे देखेंगे बच्चों, इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है। तो हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन कि यह मान्यता है कि यह समष्टि पर स्थिर रहता है। और यहाँ पे देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि यह व्यष्टि पर स्थिर रहता है। ओके, समष्टि अर्थशास्त्र की दो सामान्य विशेषताएं बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र की दो सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र की नीतियों का पालन राज्य संवैधानिक निकाय जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जैसी संस्थाएं करती हैं। भारतीय संविधान में वर्णित है कि ऐसे प्रत्येक वैज्ञानिक निकाय को जो सार्वजनिक लक्ष्यों का अनुपालन करना होगा, ये लक्ष्य व्यक्तिगत कल्याण के लिए, ठीक है बच्चों, ये लक्ष्य जो है व्यक्तिगत कल्याण से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ताओं की आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप का लक्ष्य व्यक्ति के हित के लिए नहीं होता। इस अनुपालन का संपूर्ण देश और इसके नागरिक के कल्याण हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न यह बच्चा कि 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। इतिहास में महामंदी, भीषण मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानी जाने वाली यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया कि उससे उबरने में कई साल लग गए। विश्व के आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण मंदी थी। इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 को, ठीक है बच्चों, 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट के धराशायी होने के कारण हुई। अधिकतर लोगों द्वारा अपने खर्चों को सीमित कर देने के कारण मांग प्रभावित हुई और बहुत से उद्योग घाटे में आने लगे, ठीक है बच्चों। क्लियरली ये प्रश्न का जवाब होगा आप लोग का, ठीक है। कहा जा रहा है बच्चों कि इसके कारण श्रमिकों को रोजगार से निकाला जाने लगा। अमेरिका ने 1929 से 1933 तक बेरोजगारी के दर का 30% से 25% हो गई। अवधि के दौरान अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% गिरावट दर्ज की गई। ये जल्दी ही महामंदी ब्रिटेन, जर्मनी और भारत सहित विश्व के अन्य भागों में भी फैल गई। इस क्रियाकलाप, ठीक है बच्चों, आगे देखें। यहाँ पे हो गया ना आप लोग का कि यहाँ पूरी की पूरी यहाँ पे क्या हो गई बच्चों, फैल गई, ठीक है। और इस समय अवधि में अधिकांश लोग बेरोजगार और भुखमरी के शिकार थे। लोग बड़ी संख्या में दुकानों के बाहर भोजन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहते थे। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों की पूर्व अवधारणा को असत्य सिद्ध कर दिया था। उन्हें नए प्रकार से सोचने के लिए प्रेरित किया।
सन 1936 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई, जिससे समष्टि अर्थशास्त्र की एक भी शाखा समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। ठीक है बच्चों, क्या हो गया बच्चों, उद्भव हुआ दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था। ओके डियर, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है भूमि तथा पूंजी का निजी स्वामित्व। दूसरा है लाभ अर्जन ही एकमात्र उद्देश्य होता है। तीसरा है मांग एवं पूर्ति की बाजार का स्वतंत्र दशाएं। चौथा है सरकार अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय विकास तथा स्थिरता ध्यान रखती है। पांचवा है बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से। ठीक है, पांचवा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। पहला है बच्चों गृहस्थ, परिवार अथवा व्यक्ति जो फर्म के उत्पादन के साधन उपलब्ध कराते हैं तथा फर्मों में वस्तुएं एवं सेवाएं रखते हैं। ओके डियर, चलिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदते हैं, ये तो हो गया ना आप लोग का। फर्म देख लेंगे बच्चों, फर्म आर्थिक इकाइयों जो उत्पादन के साधनों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ठीक है बच्चों, सरकार देखें, राज्य जो देश के कानून एवं व्यवस्था बनाए रखते हैं तथा कर जुर्माना लगाता है, कानून बनाता है तथा देश के निवासियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। बाह्य क्षेत्र देखेंगे बच्चों, बाह्य क्षेत्र इसका तात्पर्य देश के शेष विश्व के आर्थिक लेन देन से है। ठीक है बच्चों, आर्थिक लेन देन से है। ओके चलिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की तरफ चलेंगे बच्चों, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र के जो अध्ययन का क्षेत्र होगा उसे आप लोग, चलिए बच्चों मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग को दिखाता चल रहा हूँ और आप सभी को कवर करते चलेंगे। आई थिंक सभी बच्चों के पास सारी चीज़ें हैं तो क्लियरली आप लोग जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। ओके, समष्टि अर्थशास्त्र देखो, यह अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक मुद्दों का विवेचन करता है। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों जल्दी जल्दी से मैं पूरा का पूरा कवर करा रहा हूँ, बस प्रश्न को कवर करा रहा हूँ, आंसर्स आप लोग करते चलेंगे। ओके डियर, आप लोग आंसर्स अपने अपने नोटबुक में कर लेंगे क्लियरली। मैं इसका पीडीएफ दे दे रहा हूँ चैनल पे, ठीक है। तो मैं जल्दी से बच्चों आप लोग की पूरी क्लास है क्वेश्चंस में बता बता के आप लोग का क्लास को ख़त्म कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चा, जल्दी जल्दी से मैं क्वेश्चंस को समझा समझा के ख़त्म कर रहा हूँ आप लोग का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग को नजर आ सकता है इस साल के बोर्ड एग्जाम में, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के लक्ष्य एवं उपकरणों पर प्रकाश डालिए, इसकी सीमाएँ भी बताइए। ठीक है बच्चों, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर पीडीएफ में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है बेटा, मैं पूरी पूरी पीडीएफ आज इस चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है बच्चा, अर्थशास्त्र का पूरा पीडीएफ चैनल पे पड़ जाएगा बेटा। सभी लोग तैयार हो तो बोलो क्वेश्चंस करवाएं, बोलो कि यस सर बस क्वेश्चंस करवा दीजिए। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताओ कि यस सर क्वेश्चंस करवा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए। जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से क्लास भी खत्म होगा और आप लोग क्या करेंगे, जल्दी से आप लोग उसको पीडीएफ भी पा जाएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करो, यहाँ पे देखिए बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, यस सर यस सर। ओके डियर, ठीक है बेटा, जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। ओके ओके चलिए, ये प्रश्न हो गया, अगले प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। सभी आंसर्स आप लोग करते चलेंगे, ठीक है, इसका मैं पीडीएफ में आंसर दे रहा हूँ आप लोग को। ओके चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। देखिए चैप्टर ही खत्म हो गया, बोलिए प्रेम से सरस्वती मैया की जय। बोलो जोरदार तरीके से बेटा, सरस्वती मैया की जय, बोलिए जोरदार तरीके से सरस्वती मैया की जय। चैप्टर खत्म हो गया बेटा, जल्दी से चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन देखेंगे बच्चों, राष्ट्रीय आय का लेखांकन क्या है। इसमें पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है किसके द्वारा बच्चों, आय पद्धति द्वारा, व्यय पद्धति द्वारा, उत्पाद पद्धति द्वारा, इन सभी के द्वारा, तो बच्चों सबके द्वारा की जाती है, क्लियर हो गया। दूसरा है मूल्य वृद्धि से निश्चित होती है, क्या क्या क्रय कीमत प्लस लाभ, विक्रय कीमत प्लस माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं,
और ग है विक्रय कीमत माइनस हानि, और घ है क्रय कीमत प्लस मध्यवर्ती। तो क्या होगा बच्चों, आपका ख ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि विक्रय कीमत माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं। ओके, यदि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अप्रत्यक्ष कर घटाए जाते हैं एवं उपदान शामिल होता है तो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा बच्चों? ठीक है, चार ऑप्शन से साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और चौथा है निजी आय। तो बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है? चार ऑप्शन से बच्चों आप लोग के पास, टेलीविजन सेट, स्टील की चादर, चाय पत्ती, उपकरण। तो बच्चों उपकरण को सेट किया जाता है। ओके हेलो डियर, ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग का बच्चों, गैर मजदूरी आय में आय से सम्मिलित है, क्या है बच्चों? लाभ है, ब्याज है, किराया है, सभी सभी है भैया, सभी है। ओके, सकल निवेश बराबर है शुद्ध निवेश माइनस मूल्यह्रास, शुद्ध निवेश गुणे मूल्यह्रास, शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास, और बच्चा आप लोग का क्या हो जाएगा? शुद्ध निवेश भाग्य मूल्यह्रास। तो बिल्कुल आप लोग का शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास बिल्कुल सही होगा। चार ऑप्शन से निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चार ऑप्शन में बच्चों पहला दिया राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो कारक लागत पर NDP माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय, और दूसरा आप लोग का क्या है बच्चा, कारक लागत पर GNP बराबर बाजार कीमत पर GNP, बाजार कीमत पर GNP प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ग है बच्चों वैयक्तिक आय बराबर निजी आय माइनस निगम कर माइनस निगम बचत। ओके डियर, चलिए तो ग ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही है बच्चों, यहीं पे आप लोग का ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है, राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है घरेलू उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, दूसरा है घरेलू उत्पाद पर विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, और ग है आप लोग का घरेलू उत्पाद भागे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक, और घ है आप लोग का घरेलू उत्पाद गुणे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ओके डियर, तो यहाँ पे ऑप्शन ख बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आय NNPFC बराबर है, किसके बराबर है बच्चों? GNPFC प्लस मूल्यह्रास, GNFC, GNPFC माइनस मूल्यह्रास, NNPMP प्लस माइनस शुद्ध प्रत्यक्ष कर, और घ है दोनों ख तथा ग। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ख तथा ग। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चार ऑप्शन से बच्चों जल्दी से पढ़ के देखेंगे कौन सही नहीं है। ठीक है, बाजार कीमत पर NNP बराबर बाजार कीमत पर GNP प्लस मूल्यह्रास, और ख है बाजार कीमत पर NDP बराबर बाजार कीमत पर NNP माइनस बच्चों क्या आ जाएगा, विदेशों से शुद्ध कारक आय, और ग है बच्चों कारक लागत पर NDP बराबर बाजार कीमत पर NDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। ग है बच्चा आप लोग का कारक लागत पर GDP बराबर कारक लागत पर NDP प्लस मूल्यह्रास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन क बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा आप लोग का। ठीक है बच्चा, ऑप्शन क बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों पर मूल्यह्रास, चार ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय बाजार उत्पाद, और ग है व्यक्तिगत आय, घ है व्यय योग्य आय। ओके डियर, चलिए यहाँ पे ख ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, ख ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर जो है सकल घरेलू उत्पाद का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन हैं बच्चों आप लोग के पास, क ख ग घ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ग ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आप लोग का, किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ठीक है बच्चों, जो कुल मूल्य होगा वही आप लोग का ग वाला, घ वाला। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है अन्य वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं बच्चों? चार चार ऑप्शन से आप लोग के पास, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं, क और ख दोनों। तो बच्चों वो कहलाती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। ओके, राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है, चार ऑप्शन है उत्पादन के बढ़ने से, दूसरा है रोजगार के बढ़ने से, तीसरा निर्यात के बढ़ने से, और चौथा है उपभोग के बढ़ने से। ठीक है बच्चों, तो उत्पादन के बढ़ने से। ओके, आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से सही उत्तर चयन करके लिखिए, तो ऑप्शन क जो है बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग एक बार पढ़ेंगे इसको और क्लियरली आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके चलिए, अगला प्रश्न क्या है बच्चा, निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है, चार ऑप्शन से कौन सा सही है? फ्रिज, तौलिया, मेज, भोजन। ठीक है बच्चा, तो भोजन बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।
अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या आती है लघु उत्तरीय प्रश्न का। जल्दी जल्दी से आप लोग प्रश्न को कवर करेंगे बेटा, उत्तर आप जल्दी जल्दी से अपना खुद लिख लेंगे, ठीक है। उपभोग वस्तुओं से क्या अभिप्राय है, दूसरा है पूंजीगत वस्तुओं से क्या अभिप्राय है। अच्छे अच्छे सभी प्रश्न है बच्चों। अगला है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। अगला है मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। अगला है बच्चों प्रवाह चर की परिभाषा दीजिए। अगला स्टॉक चर से आप क्या समझते हैं। अगला है बच्चों बताइए कि निम्नलिखित प्रवाह है या स्टॉक, ठीक है बच्चों। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे, सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, सभी इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पे भी ये प्रश्न है, मूल्यह्रास आप किसे कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान कितने प्रकार के मौलिक योगदान किए जा सकते हैं। मूल्य वर्धित से आप क्या समझते हैं। अगला है बच्चों सकल मूल्य वर्धित और विपुल मूल्य वर्धित किसे कहते हैं। अगला है आप लोग का बच्चों माल सूची किसे कहते हैं, ओके डियर। अगला प्रश्न ये है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का आकलन कौन करता है। और अगला है बच्चों निवल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न भी आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। और अगला प्रश्न व्यक्तिक आय की परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, व्यक्तिक प्रयोज्य आप किसे कहते हैं, ठीक है। निजी आय को परिभाषित कीजिए बच्चों, यहाँ है निजी आय को परिभाषित कीजिए। अगला है आधार वर्ष से आप क्या समझते हैं। अगला है सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिक किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न दिख रहा है उपभोक्ता कीमत सूचकांक से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 22 दिख रहा है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ठीक है बच्चा। जीडीपी और कल्याण किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। बाहरी प्रभाव का एक उदाहरण दीजिए जिनसे लोगों के कारण में कमी आती है, ठीक है बच्चों। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है बच्चा, आप लोग सभी प्रश्नों को लिखिएगा। किसी वर्ष एक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य 2500 करोड़ था, उसी वर्ष उस देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य आज किसी आधार वर्ष की कीमत पर 3000 करोड़ था। प्रतिशत के रूप में वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक के मूल्य की गणना कीजिए। क्या आधार वर्ष का और उल्लेखनीय वर्ष के बीच कीमत स्तर में वृद्धि हुई है, ओके डियर। अगला प्रश्न व्यक्तिगत आय का प्रयोज्य आय में क्या अंतर है, ठीक है बच्चों। इसका प्रयोज्य आय में क्या अंतर है, क्लियर हो गया। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों पे चलेंगे बच्चों, जो कि 6 नंबरों में पूछा जाता है आप लोग का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बता दीजिए। ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं बच्चे आप लोग के। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का आ रहा है कि वस्तुओं के मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं के वर्गीकृत करने के आधार उदाहरण समझाइए, ठीक है। उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में भेद कीजिए, इनमें से कौन सी अंतिम वस्तु है। उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलिए अगला प्रश्न है, कारण बताते हुए निम्नलिखित को मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। मशीनों को व्यापारी द्वारा खरीदी गई मशीनें, और दूसरा है क्या एक परिवार द्वारा खरीदी गई कार, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कारण बताते हुए निम्नलिखित को मध्यवर्ती उत्पाद और अंतिम उत्पाद में वर्गीकृत कीजिए। पहला स्कूल द्वारा खरीदा गया फर्नीचर, दूसरा स्कूल द्वारा खरीदे गए एक चौक डस्टर आदि, ओके डियर। चलिए उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं और इनमें प्रत्येक के परिश्रमिक को क्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसके उत्तर दिए हुए हैं आप लोग के। किसी अर्थव्यवस्था के समस्त अंतिम व्यय समस्त साधन अदायगी के बराबर क्यों होता है, व्याख्या कीजिए, ठीक है बच्चों। अगला वही प्रश्न तुरंत देखिए, अगले प्रश्न को पूछा जा रहा है जो कि 2020 में पूछा गया प्रश्न है, स्टॉक और प्रवाह में भेद स्पष्ट कीजिए। निवेश निवल और पूंजी में कौन कौन स्टॉक है, ठीक है बच्चों, और कौन कौन स्टॉक में प्रवाह भेद कीजिए, ठीक है बच्चों, और कौन कौन प्रवाह हौज में पानी के प्रवाह से निवल और पूंजी की तुलना कीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए तो सारे प्रश्नों के जवाब लिखते चलेंगे आप सभी लोग बच्चा, ठीक है। आय के चक्रीय प्रवाहों में क्षरण और भरण की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। अगला है मौद्रिक प्रवाह कैसे वास्तविक प्रवाह के विपरीत है, जो मौद्रिक प्रवाह होता है वो कैसे क्या होता है बच्चों, वास्तविक प्रवाह के विपरीत होता है, एक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अगला है आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या कीजिए।
नियोजित और अनियोजित माल सूची संचय में क्या अंतर है? किसी फर्म की माल सूची और मूल्यवर्धित के बीच अंतर बताइए। आय तथा उत्पाद के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह क्यों कहा जाता है? ये चीज क्लियर होगी बेटा, ठीक है, क्यों कहा जाता है? चालू कीमतों और स्थिर कीमतों पर आय, राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो क्लियर हो गया। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताइए। ठीक हो गया बच्चा। अगला प्रश्न, तीनों विधियों में से किसी के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की किन्हीं तीन निष्पत्तियां लिखिए। संक्षेप में अभी बताइए कि प्रत्येक विधि से सकल घरेलू उत्पाद का एक सा मूल्य क्या आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। बच्चों आप लोग का प्रश्न वाला प्रश्न है, ठीक। तो मैं जानते हो आप लोग के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उन्हें मैं बोर्ड पे कराऊंगा, तो ये भी न्यूमेरिकल का प्रश्न है बच्चों, ये भी न्यूमेरिकल का है। क्लियरली बच्चों, ये सभी न्यूमेरिकल के थे। यहाँ पे अगला प्रश्न दिख रहा है आप लोग को, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के तीन चरणों में से प्रत्येक में उसका मापन करने के लिए किस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। ओके, यहाँ देख सकते हैं आपके लिखा, एक देश के जीडीपी को तीन विधियों द्वारा मापने की तीन समरूपताएं लिखिए। ये बताइए कि इनमें से प्रत्येक के समान मूल्य क्यों प्रदान करना होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना? ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर आप लोग का। 22वां प्रश्न आप लोग का क्लियर हो गया। 23वां देखेंगे बच्चों, राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों का उल्लेख कीजिए तथा किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, किसी एक विधि का वर्णन भी आप लोग को करना है। ठीक है, पहले आप लोग को दिख रहा है सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है, क्लियरली आप लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न में दिख रहा है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में आने वाली दोहरी गणना की समस्या एक उदाहरण देकर समझाइए। इस समस्या से बचने के दो वैकल्पिक उपाय भी बताइए। जो समस्या हो रही है बच्चों, इस समस्या से बचने के दो वैकल्पिक आप लोग को उपयोग भी बताने, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का, बहुत ही अच्छा प्रश्न कर लेंगे इन्हें आप लोग। वास्तविक जीडीपी के महत्व को समझाइए, जो वास्तविक जीडीपी का महत्व होता है उसी को समझाना है बच्चों। ओके चलिए, किसी देश के कल्याण के निर्देशांक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की कुछ सीमाओं को लिखिए। किस ठीक है बच्चों, ये क्या करना है, कुछ सीमाओं को आप लोग को लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, सकल निवेश एवं शुद्ध निवेश में शेयर कीजिए। ओके डियर, चलिए तो यहाँ पे इनके बीच भेद हो जाएगा। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ गया बच्चों, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों क्लियरली ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और अच्छी तरीके से लिख भी लेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, आय के वर्तुल प्रवाह को सविस्तार बताइए। आय का वर्तुल प्रवाह क्या है? ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में चैनल पे। ओके, अगला प्रश्न है कि साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद तथा साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा समझाइए। ठीक है बच्चों, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के समझाइए। क्लियरली ये चीज है बच्चा आप लोग का। ठीक है, देशीय कारक आय के संघटक बताइए, तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए और क्या डाला जाए। ओके डियर, तो क्लियरली ये चीज है बच्चा आप लोग का। ठीक है सर, और क्लास लेंगे? हाँ बेटा बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल इसके बाद लेंगे। कैसे हो रोहित, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो आप। ठीक है, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। अगला प्रश्न है, देशीय कारक आय के घटक बताइए, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए इनमें से क्या जोड़ा और क्यों। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे क्या है बच्चों, ध्यान से। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न आप लोग के यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है बच्चा, क्या है? किसी देश का की राष्ट्रीय आय की गणना करने की भी व्यय विधि को समझाइए, और विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, अनुमान लगाने में ली जाने वाली प्रमुख सावधानियां कौन सी हैं बच्चों। क्लियरली ठीक है, समझ गए आप लोग। ओके, तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है बच्चा, इन्हीं सब चीजों के बारे में आप लोग को लिखना है। क्लियर हो गया ना? चलिए
अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने की मूल्य वृद्धि। बेटा तैयारी कैसी चल रही है रोहित? मूल्य वृद्धि जो है बच्चा वो, और विधियों को समझाया क्या ना। ओके डियर, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के निर्धारण में किम्स के मत को समझाइए। तो भाई किम्स के मत को आप लोग पूरा अच्छी तरीके से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं था। अभी अभी आप लोगों ने देखा था उनके मत को। देखिएगा अगला प्रश्न क्या, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में विभेद कीजिए। क्या सकल घरेलू उत्पाद के, सकल घरेलू उत्पाद तथा मौद्रिक, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना ये? ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में अंतर बताना था, क्लियरली ये चीज आप लोग की हो गई। ओके ओके डियर, चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में अंतिम वस्तुओं की संरचना को समझाइए। ठीक है बच्चों, तो क्लियरली बच्चों क्या करेंगे, इसकी संरचना को ही समझा दे रहे हैं। चलिए ये न्यूमेरिकल वाले प्रश्न हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बाद में करेंगे। और अगला प्रश्न आ गया आप लोग का क्या बच्चे, आप लोग का मुद्रा और बैंकिंग, अगला चैप्टर मुद्रा बैंकिंग। पानी नहीं पी लिए बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं अब क्लास की। देखिएगा मुद्रा और बैंकिंग में साख नियंत्रण का कार्य है, तो बच्चों केंद्रीय बैंक का कार्य है। किसका कार्य है बच्चों, केंद्रीय बैंक का। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है बच्चा, यह विनिमय का माध्यम करना। ठीक है, एक देश में केंद्रीय बैंक होता है, क्या होता है बच्चा, दो, एक या कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है केंद्रीय बैंक। ओके डियर, अगला प्रश्न है, नोट निर्गमन के से मुद्रा पूर्ति में होती है तो वृद्धि होती है बच्चों। सिक्के द्वारा जारी करता है या करती है, कौन करता है, भारत सरकार करती है। करेंसी नोटों के निर्गमित करने के अधिकार निम्न में से किस संस्था के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है बच्चों, RBI के पास है। ओके, राष्ट्रीय अधिकार अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेन देन से कोई इनकार नहीं कर सकता वो क्या कहलाती है बच्चों, विधिग्राह्य। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगी, विधिग्राही वैध मुद्रा होती है। ओके डियर, वो क्या होती है, वैध मुद्रा होती है। केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है मौद्रिक नीति। जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनकी जो नीति आती है बच्चों, ठीक है, उनका जो नीति रहेगा वो क्या कहलाएगा, ठीक है, वो कहलाएगा आप लोग का मौद्रिक नीति। समझ गए, आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे। भारत में 100 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करेगी बच्चों, कौन करेगी, भारतीय रिजर्व बैंक करेगी। एक अर्थव्यवस्था में साख सृजन के कार्य कौन करता है, तो करता है व्यावसायिक बैंक। ठीक है बच्चों, कौन करेगा, व्यावसायिक बैंक करेगा। अगला प्रश्न आप लोग का, निम्नलिखित में से कब हमारे देश में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी, नवंबर 2015 में, नवंबर 2016 में, नवंबर 2017 में, नवंबर 2018 में, नवंबर 2016 में। ठीक है बच्चों, तो सही जवाब है ही आप लोग का नवंबर 2016। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, मुद्रा के निर्गमन, साख नियंत्रण, बैंकों का बैंक और साख सृजन। तो बिल्कुल ये साख नियंत्रण नहीं है बच्चों, क्या नहीं है, साख नियंत्रण। ओके, अगला प्रश्न ये है कि भारत में 500 से 1000 के नोट का विमुद्रीकरण कब किया गया, 2016 में। ठीक है बच्चों, कब कर दिया गया, 2016 में। अब आ रहे हैं बच्चों आप लोग के स्क्रीन पर प्रश्न, मुद्रा क्या है,
बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मुद्रा की क्रय शक्ति से में हाथ से आप क्या समझते हैं। भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला है, मुद्रा बैंक से आप क्या अभिप्राय है। बच्चों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ रहे हैं आप लोग के, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आ रहे हैं बच्चों आप लोग के, ठीक है। भारत में केंद्रीय बैंक का नाम बताइए बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी से, ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी से कवर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। यहाँ मौद्रिक, ये प्रश्न कैसे कैसे पूछा जा सकता है। मौद्रिक आधार किसे कहते हैं, उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है, और अगर उच्च शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्लियर है बच्चा। चलिए अगला ये प्रश्न आप लोग का, व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे बच्चों, व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं। अगला ये प्रश्न है, बैंकों के प्राथमिक कार्य बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है, मांग जमाएं क्या होती है। प्रश्न संख्या 9 कि मुद्रा गुणक क्या है, गुणक का मूल्य क्या निर्धारित करता है। ओके, मुद्रा का संचालन वेग क्या है। अगला प्रश्न क्या है बच्चा, मुद्रा का संचालन वेग क्या है। तो क्लियरली इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और अच्छी तरीके से लिख लेंगे। अगला है बच्चा आप लोग का कि भारतीय रिजर्व बैंक के कोई तीन, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना। क्या मैंने आप लोग को बताया कि कोई कार्य स्वयं नहीं कर सकता, पहली चीज ये है, और इन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है, ठीक है बच्चा। ये अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता और नहीं उन्हें खरीद सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या है, इसकी क्या कमियां हैं, ठीक है बच्चों। और 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था बच्चों, ठीक है। क्या पूछा गया था आप लोग से कि वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई तीन दोष लिखिए। सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, ठीक है। पीडीएफ में सभी प्रश्नों के उत्तर टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा बेटा, तो कृपया आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। इस वीडियो के खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, यदि आप लोग को इस सभी प्रश्नों के जवाब चाहिए तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ओके डियर, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप लोग का, मुद्रा के उद्गमन का अर्थ वर्णन कीजिए, ठीक है बच्चों। मुद्रा का जो होगा उसके पे क्या करना है आप लोग को, ठीक है, अनुगमन करना। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय की मुख्य समस्या का समाधान मुद्रा कैसे करती है, समझाइए, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मुद्रा के विनिमय का माध्यम कार्य की व्याख्या कीजिए, ठीक है बच्चों। इसका उत्तर आप लोग को पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, ओके डियर। चलिए मुद्रा का आस्थगित भुगतान का मानक कार्य बताइए, क्लियरली बच्चों। अगला प्रश्न है, मुद्रा के मूल्य का संचय कार्य का महत्व बताएं, ठीक है बच्चों। कर लेंगे सभी बच्चे ना, जल्दी से कमेंट करके बोलिए यस सर हो जाएगा, बोलिए यस सर हो जाएगा। ओके डियर, जल्दी से बताओ बेटा कि यस सर हो जाएगा। ओके ओके ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न क्या आप लोग का, क्या आप वाणिज्यिक बैंक को अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सृजक मानते हैं, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं, इसका सृजक मानते हैं, तो आप लोग बिल्कुल अपने अनुसार बिल्कुल बता देंगे इसका उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, व्यावसायिक बैंक जमाओं का निर्धारण कैसे करते हैं, समझाइए, या फिर बैंक व्यावसायिक बैंकों की साख निर्माण भूमिका का एक संख्यात्मक उदाहरण भी की व्याख्या की जाती है बच्चों। ओके डियर, यहाँ पे इसके उत्तर हैं, अच्छी तरीके से आप लोग देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वही मुद्रा का निर्माण करते हैं, ओके डियर, हो गया। चलिए हो गया बेटा, चलिए अगला प्रश्न आप लोग का जो है बच्चा, ये प्रश्न आप लोग का किस चीज का है, ध्यान से समझेंगे आप लोग, विस्तृत उत्तरी प्रश्न है और 10 नंबर में ये पूछा जाता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, 10 नंबर में पूछा जाता है, क्लियरली, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। प्रश्न यह कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या है, मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करता है, और अगला प्रश्न यही है बच्चों, अथवा में करके प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुद्रा के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए, और अगला है मुद्रा के तीन प्रमुख कार्य लिखिए, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे क्लियरली अच्छी तरीके से आप समझ गए इस चीज को, ठीक है, ओके। तो पूरा का पूरा बच्चों इसका उत्तर आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से व्यावसायिक बैंकों द्वारा नए सृजन की समस्याएं होगी, हो गया डियर,
हो गया बच्चों आप लोग का क्या प्रश्न था आप लोग का कि एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से व्यावसायिक बैंकों द्वारा मुद्रा सृजन की प्रक्रिया को समझाइए। और बच्चों अगला यही प्रश्न अथवा में करके दिया है वाणिज्यिक बैंकों की शाख सृजन की क्रियाविधि को भी समझाइए। ठीक है बच्चा, गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है चलिए बच्चा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा नाम आपका। ठीक है गुप्ता जी, बेहतरीन तरीके से बेटा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या है आप लोग का अगला प्रश्न। जितने भी ये नमेरिकल वाले प्रश्न आ रहे हैं बच्चा, नमेरिकल वाले आप लोग के प्रश्न आ रहे हैं जितने भी हैं, सभी को मैं अनबोर्ड कराऊंगा। तो अभी मैं इनको छोड़ के आप लोग का कवर करा रहा हूँ। ओके बेटा ठीक है, अनबोर्ड में कराने वाला हूँ कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो केंद्रीय बैंक के जितने भी कार्य होते हैं बच्चा, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य बताइए, जैसे कि नीचे पूछा गया है। ठीक है, तो इनको अच्छी तरीके से आप कवर करके जाएंगे। ठीक है अगला प्रश्न बच्चों देखेंगे अगला प्रश्न क्या है आप लोग का। अगला प्रश्न ये है बच्चा कि केंद्रीय बैंक की शाख नियंत्रण विधियों की व्याख्या कीजिए। ये बच्चों इसके पहले अभी भी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि ऐसा ही प्रश्न अभी लघु उत्तरी में आया था, जब लघु उत्तरी को कवर कर लेंगे तो इधर भी ये कवर हो जाएगा। ओके ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न आप लोग का क्या है। और अगला प्रश्न खत्म हो गया, जो नया चैप्टर ही चालू हो गया आप लोग का, आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है, आय और रोजगार का निर्धारण, तो प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय। एक बार जोरदार तरीके से बोलो बच्चा सरस्वती मैया की जय, सभी बच्चे बोलेंगे सरस्वती मैया की जय, बाकी चीजें आगे। ठीक है ओके, चलिए चलिए देखेंगे अगला जो चैप्टर है आप लोग का आय और रोजगार के निर्धारण, इस चैप्टर को जल्दी से कवर करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों। ठीक है, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा समय आप लोग का बर्बाद न करूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता के ही कवर करा दूँ, एक आध घंटे में मैं कवर करा दूँ बेटा। ओके चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अंतिम वस्तुओं के निर्गत नियोजित मूल्य को क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे कहते हैं प्रत्याशित माप। क्या कहते हैं? प्रत्याशित माप कहते हैं। अगला है आय में वृद्धि, आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर होती है, अथवा आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। चार ऑप्शन से बच्चों आप लोग के पास, इनमें से जो ऑप्शन सही है वो ख वाला है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सेटेरिस परिबस का अर्थ है, सेटेरिस परिबस का अर्थ है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे सेटेरिस परिबस क्या होता है। तो ये होता है बच्चों, ठीक है क्या होगा, यदि अन्य बातें समान रहे। ओके, उपभोक्ता का निवेश संबंधी निर्णय करता है, उपभोक्ता का निवेश संबंधी निर्णय करता है। चार ऑप्शन है, आय पर, व्यय पर, क तथा ख, आय तथा व्यय दोनों पर ब्याज की बाजार दर पर। ओके डियर हो गया। प्रश्न संख्या 5, व्यक्तिगत उत्पादक बाजार को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है बच्चों, चार ऑप्शन है, कीमत, पूर्ति, मांग, निवेश। तो बच्चों यहाँ पे कीमत होगा। ओके डियर क्या होगा, हेलो पीयूष कैसे हो बेटा। ठीक है अगला प्रश्न क्या है बच्चा आप लोग देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि व्यक्तिगत उत्पादक बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता बच्चा? कीमत नहीं कर सकता। अगला, एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को मापा जाता है। बच्चों जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें समग्र मांग को मापा जाता है। तो चार ऑप्शन सही है, इसमें से आप लोग का घ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, निजी उपयोग व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस निजी निवेश व्यय प्लस शुद्ध निर्यात के रूप में। ओके डियर चलिए अगला प्रश्न क्या है बच्चा वो भी समझेंगे अच्छी तरीके से, प्रभावी मांग की संकल्पना किसने की थी। चार ऑप्शन है, एडम स्मिथ, मार्शल, जेबीसे ने, किन्स ने। ठीक है बच्चा, तो किसने की थी? किन्स ने। ओके, निम्नलिखित में से किसके कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है। चार ऑप्शन से, क सरकारी व्यय में वृद्धि, दूसरा निवेश व्यय में वृद्धि, तीसरा आयतों में कमी, और चौथा ए सभी। ठीक है बच्चों, तो ए सभी बिल्कुल आप लोग का सही है। ओके डियर ओके 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 चलिए बेहतरीन बेहतरीन। हो गया कि नहीं बच्चों? ओके आगे के प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। क्या है 10वां प्रश्न, जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति सी का मान 0.8 हो तो गुणक का मान क्या होगा? तो 5 होगा भैया। और अगला, चलो बच्चों ये आप लोग के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा बोर्ड पे। ओके ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आ जाइए। सेटेरिस परिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है, अभी अभी देखे हैं हम लोग इस प्रश्न को भी। अगला प्रश्न क्या है, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, समग्र मांग किसे कहते हैं बच्चों, क्या अभिप्राय, ये भी चीजें हैं अच्छी तरीके से समझेंगे बच्चों अपना।
प्रत्याशित माप किसे कहते हैं बच्चों? और अगला है उपभोग फलन क्या है, उपभोग फलन क्या है? ओके चलिए, स्वतंत्र उपभोग किसे कहते हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज है। बचत फलन क्या होता है, बचत फलन क्या होता है? क्या औसत बचत प्रवृत्ति का मूल्य ऋणात्मक हो सकता है? यदि हाँ तो कब हो सकता है बच्चों? फिर अगला प्रश्न है प्रत्याशित संबंध मांग क्या है, समस्त मांग क्या है? बच्चा क्या करना है आप लोग को, आपको करना क्या है बच्चा? ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आप लोग को करना क्या है कि जितने भी मैं प्रश्न बोल रहा हूँ सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। 50% तो सेकेंड बुक से, 50% फर्स्ट बुक से, तो आज 50% पूरा आप लोग के प्रश्न बता के जाऊँगा 50% नंबर के लिए। ओके, माल सूची निवेश क्या है? ठीक है बच्चों, माल सूची निवेश क्या है? माल सूची निवेश के कारण बताइए। ओके चलिए, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, निर्गत गुणक से आप क्या समझते हैं बच्चों? निर्गत गुणक जो होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ को उत्तर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। निवेश स्तर को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए। ठीक है, जो निवेश स्तर होता है उन प्रभावित करने के दो कारक क्या कैसे हैं? ठीक बच्चों, अगला प्रश्न है मितव्ययिता का विरोधाभास किसे कहते हैं, मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है, किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, तो इन्हें भी आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। ओके, अगला प्रश्न है पूर्ण रोजगार आय स्तर क्या है, और उसी तरीके से अगला प्रश्न आ रहा है कि स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं? ओके बेटा, करवा रहा था लेकिन जैसे ही पेपर का डेट इधर उधर हुआ मैं थोड़ा सा रुक गया, 2-3 दिनों से क्लासेज नहीं उसकी चल रही है, अब फिर से स्टार्ट करना है मुझे शुरू से। ओके, एक बार फिर से अनसॉल्व करवाना है हिंदी का मुझे शुरू से, और हिंदी के साथ साथ आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री भी शुरू होंगे, बस और 2-3 चीज़ें ही बची हैं उनके बाद वो भी शुरू हो जाएंगी। ओके चलिए बेटा, हो गया बच्चों, सभी बच्चों का हो गया बेटा, चलिए बेहतरीन बेहतरीन। अगला प्रश्न है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, या किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है? या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चों आप लोग का, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है? या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, या सीमांत बचत की प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है बच्चों आप लोग का, क्या सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी ऋणात्मक हो सकती है? अपने उत्तर के पक्ष में अर्थ दीजिए। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूमेरिकल वाले हैं, न्यू मांग की स्थिति और अत्यधिक मांग की स्थिति को समझाइए। ओके क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर है? सभी प्रश्नों को आप लोग लिख के अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे बेटा। ठीक है, सभी प्रश्नों को, सभी का मैं बच्चों क्या करूंगा, लिंक जो होगा बच्चा आप लोग का पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, विस्तृत प्रश्न में भी सारी चीजें वहीं दे रखी है बच्चों। ठीक है, हो गया बेटा क्लियर सभी बच्चों का। चलिए तो इतना ही था बच्चों, इसमें आगे क्या होगा बच्चों आप लोग को पता है कि आगे जो है आप लोग का अगला चैप्टर ही होगा क्लियरली, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा दे रखे हैं। ठीक है, अगला है आप लोग का सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चा, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था तो क्लियरली इन्हें समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, और देखेंगे सरकार संचालित करती है, किसे करती है बच्चों? सार्वजनिक क्षेत्र को। अगला है वे वस्तुएं जिन्हें देश का प्रत्येक नागरिक उपयोग कर सकता है, निजी वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, क तथा ख इनमें से कोई नहीं सार्वजनिक वस्तु, तो कौन है बच्चा? सार्वजनिक वस्तुएं हैं। ठीक है, क्या है? सार्वजनिक वस्तुएं हैं। ओके, अगला सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है अप्रत्यक्ष कर से, प्रत्यक्ष कर से, उत्पाद शुल्क से, इनमें से कोई नहीं, उत्पाद शुल्क से, किससे बच्चा? उत्पाद शुल्क से। अगला देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है, क्या बच्चा? बजट होता है। अगला, भारत में सरकारी बजट की पूंजीगत प्राप्तियों का वर्गीकरण किया जाता है, तो क्या हो जाता है बच्चों? ऋणों की वसूली में, उधार में, विनिवेश में, सभी में किया जाता है बच्चों। किसमें किया जाता है? सभी में किया जाता है। ओके, अगला, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित प्रत्यक्ष कर है, GST होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? GST कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चा आप देख सकते हैं कि अतुलगत्री प्रश्न में 3 नंबर का जो आता है सरकारी बजट क्या है और बजट का अर्थ लिखिए। ठीक है, क्लियर हो गया?
अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, बजट संबंधी घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं, जो बजट संबंधी घोषणा पत्र होते हैं उसे क्या समझते हैं। अगला है सरकारी बजट के उद्देश्य लिखे, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ बेटा, जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सार्वजनिक वस्तुओं और गैर अपवर्जनीय कहा जाता है क्यों। अगला है सार्वजनिक प्रावधान और सार्वजनिक उत्पादन से क्या अभिप्राय है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, स्थिरीकरण कार्य किसे कहते हैं। सातवां प्रश्न है, राजस्व प्राप्तियों को गैर प्रतिदेय क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गैर की परिभाषा दीजिए, गैर की सॉरी कर की परिभाषा दीजिए बच्चों, किसकी परिभाषा देना है, कर की परिभाषा दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, गैर कर राजस्व प्राप्तियों के दो स्रोत बताइए, कागजी कर से क्या अभिप्राय है बच्चों, ठीक है। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर के दो दो उदाहरण दीजिए। और बारहवां है, सरकार द्वारा प्राप्त पूंजीगत प्राप्तियां क्यों नहीं है, ठीक है। अगला है बच्चे देखेंगे, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पूंजीगत प्राप्तियां क्यों है। और अगला है मध्यावधि वित्तीय नीति विवरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है बच्चा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, हो गया सभी चीजें क्लियर। चलिए, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पूंजीगत प्राप्तियां हैं बच्चों, ठीक है बच्चा, सरकार द्वारा लिए गए ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां, क्लियरली ये चीज आप लोग समझेंगे, ठीक है। मध्यावधि वित्तीय नीति विवरण से आप क्या समझते हैं, तो मध्यावधि वित्तीय नीति विवरण में विशिष्ट जो कुछ भी चीजें हैं बच्चों, मैं आप लोग का ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, फर्स्ट किताब सेकंड किताब दोनों का मैं क्या करूंगा बच्चों, ठीक है, दोनों का मैं बच्चों पीडीएफ आप लोग के चैनल पे, जो आप लोग का टेलीग्राम चैनल है उस पे डाल दूंगा, ओके डियर, उस पे मैं डाल दूंगा, क्लियर हो गया ना। चलिए, निजी वस्तु किसे कहते हैं, ये भी चीज आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि व्याख्या कीजिए इसको, क्या करना है बच्चों, व्याख्या कीजिए। और अगला है कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, इसकी भी व्याख्या कीजिए। ये पूछा गया बच्चों 2020 में, आप लोग का 2020 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है आप लोग का, ठीक है, सरकारी बजट का संसाधनों का आवंटन उद्देश्य समझाइए, या एक अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पुनः आवंटन करने में सरकारी बजट कैसे सहायक हो सकता है, उदाहरण दीजिए, ठीक है बच्चों, क्या कीजिए, उदाहरण दीजिए, ठीक है, ओके डियर, हो गया। चलिए बच्चों आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, आय की असमानताओं को कम करने के लिए बजटीय नीति का उपयोग कैसे किया जाता है, बजट के उद्देश्यों का को समझाइए, अथवा सरकारी बजट किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है, ठीक है डियर, हो गया, ठीक है बच्चा। राजस्व प्राप्तियों के क्या अभिप्राय हैं, जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं उनसे क्या अभिप्राय है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियां हैं, ओके डियर, हो गया ना ये चीज आप लोग का, ठीक है, ये चीज हो गया। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूंजीगत प्राप्तियों से क्या अभिप्राय है, मुख्य पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हैं बच्चों, ठीक है। या फिर प्रश्न आप लोग का ये पूछा जाएगा, आठवां प्रश्न जो है, सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों के तीन तीन स्रोत बताइए, सरकारी बजट की बात की है बच्चों, तो क्लियरली ये चीज है आप लोग का, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में अंतर बताइए। और अगला है बच्चों आपका क्लियर, एक चीज आप लोग समझ गए, अब अगला क्या है, कर का टालना, ठीक है, प्रगतिशीलता, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों आप लोग का, तो चलिए छोड़िए आप लोग उसे, मैं इसका क्या करूंगा बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से कवर कर लेंगे, ओके। कारण बताते हुए निम्नलिखित को राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत कीजिए, चार ऑप्शन हैं, आर्थिक सहायता राज्य सरकारों पर दिया गया अनुमान, और बच्चों यहाँ पे आप लोग क्या बता रहा हूँ, पाठशाला, ठीक है बच्चों। पहले फिर से समझ जाओ कि आर्थिक सहायता राज्य सरकारों को दिया गया अनुदान, ऋणों की अदायगी और पाठशाला भवनों का निर्माण, ये चीजें होंगी क्लियर, ठीक है, ओके डियर। क्लियर हो गया ना सभी लोग को, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, घाटे में कटौती के विषय पर विमर्श कीजिए, ठीक है।
और अगला प्रश्न आप लोग का आ रहा है कि सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में क्या संबंध है, व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चा, एक विकासशील देश में राजकोषीय नीति की भूमिका की विवेचना कीजिए, और है क्या सार्वजनिक ऋण बोझ नहीं बनता, व्याख्या करके बताइए। ठीक है, अगला निरपेक्ष मूल्य में कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से छोटा क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। ओके डियर, हो गया सारी चीजें। विस्तृत में देखेंगे बच्चों, विस्तृत। ठीक है बच्चा, क्या मैं बता रहा हूँ आप लोग को, राजस्व बजट तथा पूंजी बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए, राजस्व बजट की प्राप्तियों तथा व्ययों का वर्णन कीजिए। ओके डियर, हो गया। चलिए देखते हैं आगे, ये आप लोग का बच्चों क्या है, आप लोग का न्यूमेरिकल है, तो सारे न्यूमेरिकल्स मैं आप लोग को बोर्ड पे कराने वाला हूँ। अब आ गया बच्चों आप लोग का अगला प्रश्न, अगला आप लोग का क्या है बच्चों, आप लोग का है छठवां चैप्टर, खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आ रहा है, ऐसी व्यवस्था हुआ नहीं बच्चों, ठीक है। हाँ, इसका इकोनॉमी का मैं बता दूंगा बेटा, ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा सा मैं सेट कर रहा हूँ पेज को, ठीक है, पेज को थोड़ा सेट कर लूँ बेटा, मैं चेक कर रहा था कि कितना रह गया है, तो उसी के चक्कर में पेज इधर उधर हो गया, ठीक है, तभी मैं सेट कर ले रहा हूँ, तो फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, पेज को थोड़ा सेट कर लेने दीजिए आप लोग, मैथ पढ़ाऊंगा बेटा, बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैथ मैं बोर्ड पे आप लोग का पढ़ाऊंगा। चलिए आ गया बच्चे आप लोग का, ठीक है, आ गया बच्चे आप लोग का, जहाँ से आप लोग पढ़ रहे थे, अति लघु प्रश्न यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। पहले जो बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर कर लें, ठीक है, फिर चलेंगे वहाँ पे। ओके, कि ऐसी व्यवस्था जहाँ किसी को किसी भी व्यापार के लिए छूट मिलती है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और दूसरा क्या बच्चा आप लोग का, कि अदृश्य व्यापार होता है, क्या होता है बच्चों, सेवाओं का व्यापार। तीसरा है, आयात निर्यात संतुलन को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, व्यापार संतुलन कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश सदैव रहते हैं, क्या रहते हैं बच्चों, ठीक है, दोगुना रहते हैं। अब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तब उसके व्यय में भी वृद्धि होती है, उसके व्यय में भी क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। ओके, ठीक है, चालू खाते में रिकॉर्ड क्या किया जाता है, ये सभी किए जाते हैं, जो भी है वस्तुओं के आयात निर्यात, गैर कारक तथा कारक आय को, चालू हस्तांतरण को, ये सभी। विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में क्या संबंध पाया जाता है,
चार ऑप्शन है बच्चों, विपरीत प्रत्यक्ष, एक से एक कोई संबंध नहीं। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी विनिमय बाजार में किया जाता है? तो ये सभी किए जाते हैं बच्चों, ठीक है, ये सभी किए जाते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप के बिना बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर क्या होती है? तो चार ऑप्शन है तृतीय विनिमय पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन का घटक है? ठीक है बच्चों, वस्तुओं का अथवा अस्पताल। ठीक है बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन का घटक है? तो वस्तुओं का आयात ही होगा बच्चों, क्या होगा? वस्तुओं का आयात। ओके डियर, क्लियर हो गया बेटा सभी को? ठीक है, हो गया बेटा क्लियर सभी बच्चों को? चलिए, विदेशी व्यापार में बच्चों, विदेशी व्यापार में ठीक है क्या होता है बच्चों? घाटा होता है तब। चार ऑप्शन से बच्चों आप लोग के पास, और घ ऑप्शन बिल्कुल सही है, निर्यात आयात से कम होता है। अगला प्रश्न आप लोग को देखेंगे बच्चों कि एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चों? विदेशी व्यापार। अगला प्रश्न अति लघु प्रश्न है, खुली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? देख लेंगे बच्चों, सौदे के लिए द्रव्य का उपयोग कब किया जाता है? विदेशी अर्थव्यवस्था की सी एजेंट किसी राष्ट्रीय करेंसी को कब स्वीकार करते हैं बच्चों? अगला है विदेशी विनिमय दर क्या है? अगला प्रश्न है विदेशी विनिमय दर का अर्थ बताइए, अदायगी संतुलन से क्या समझते हैं बच्चों? ठीक है, चालू खाता क्या है? चालू खाता संतुलन के क्या अभिप्राय है? अपदान आय और गैर अपदान आय किन्हें कहते हैं? पूंजी खाता क्या है? पूंजी खाता संतुलन से आप क्या समझते हैं बच्चों? विदेशी विनिमय बाजार की परिभाषा दीजिए, विदेशी विनिमय की मांग के दो स्रोत बताइए, विदेशी विनिमय की पूर्ति के दो स्रोत बताइए, तृतीय विनिमय दर क्या है? ठीक है बच्चों, नए नम्य विनिमय दर को स्वतंत्र विनिमय दर क्यों कहते हैं बच्चों? ठीक है, स्थिर विनिमय दर से क्या अभिप्राय है? जो स्थिर विनिमय दर होती है उससे क्या अभिप्राय है? ठीक है, आगे देखेंगे, अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन किसे कहते हैं? क्या केंद्रीय बैंक प्रबंधित तृतीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा? समझाइए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन से मैथ वाले आप लोग को बोर्ड पे मैं करा दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया, सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे बच्चों, जितने भी ये प्रश्न दे रखे हैं। ओके, सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से एक बार पढ़ेंगे, और बस बच्चों कुछ जो आप लोग के लास्ट के प्रश्न हैं आप लोग के, वही चीज़ें रह गई थी। ठीक है, तो एक चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग समझिएगा, ठीक है, कि अब बहुत कुछ नहीं है इस चैप्टर में, अब इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात है बच्चा। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात होगी आप लोग के, कि कितने प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करें कि क्या क्या प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं। चैप्टर वाइज में इम्पोर्टेंट प्रश्न करा दूंगा बच्चों, टॉप फाइव चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा दूंगा आप लोग के। ठीक है, और रही बात इसके जो आप लोग के न्यूमेरिकल वाले सॉल्व वाले क्वेश्चन को मैं करा दूंगा बेटा बोर्ड पे। ओके डियर, तो सभी बच्चे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ। लेकिन बेटा आज कई वीडियोज आप लोग की आएंगी, टाइम टाइम पे आप लोग की वीडियोज आएंगी, तो एक बार आप लोग चैनल को क्या करेंगे बच्चा? ठीक है, चैनल पे आप लोग बने रहेंगे हमारे, ठीक है, चैनल पे बने रहेंगे बच्चों, क्योंकि आज हमने जितने भी आप लोग के क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चन बता बता के कवर करा दिया बेटा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग की, जैसे कि भूगोल अभी बाकी है आप लोग का, शिक्षा शास्त्र तो हो गया कंप्लीट, ठीक है, समाज शास्त्र कंप्लीट हो गया, भूगोल बाकी है बच्चा, इतिहास बाकी है, और आप लोग का क्या बाकी है बच्चा? ठीक है, और कोई सब्जेक्ट जिसकी जो आपकी पूरी नहीं हुई है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बता देंगे, मैं वो चीज़ आप लोग की पूरी करा दूंगा बेटा। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास को बेटा ही रोका जाए। यदि किसी का कोई क्वेरी हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहो कि यस सर ये चीज़ें हमें नहीं आ रही हैं, ये चीज़ आप हमें बता दीजिए। ओके डियर, ठीक है, हेलो अभिषेक बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो अभी किस चीज़ का आप लोग क्लास चाहते हो, 12 बजे की पहले किस चीज़ का क्लास चाहते हो, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि यस सर इस चीज़ का क्लास हमें चाहिए। ठीक है बच्चा, कमेंट करके बताए, चलिए ठीक है, आज के क्लास को आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा, आज के क्लास को यहीं रखते हैं बच्चों। ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं रखते हैं, फिर अगले दिन के क्लास में को देखेंगे। ओके डियर, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इंग्लिश की क्लास ले ले रहा हूँ बेटा। ओके, तो चलिए ठीक है, ओके डियर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।